भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही हैं और सिनेमा घरों में जमकर धमाल मचा रही हैं। ऐसे में एक और आने वाली शानदार भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हाल ही में किया गया, जहां इंडस्ट्री के कई छोटे बड़े सितारे मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये फिल्म झॉलीवुड फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है और इस फिल्म के निर्देशक गुड्डू जान हैं। ऐसे में ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विनय आनंद भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा विनय ने फिल्म के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा फिल्म के प्रोड्यूसर मनीष जी को, डायरेक्टर शम्स जी को, गुड्डू जी को जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, कि इनकी क्रिएशन की जितनी तारीफ करें कम है, चाहे वो स्टोरी हो, गाने हो या कास्टिंग हो, और किस तरह से फिल्म को बनाना है, किस लेवल लेके जाना है। ये हमारे झारखंड के गुड्डू जी हैं, बहुत प्रिय हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, और एक फिल्म हमने की है दीवानगी, मैंने और रवन भाई ने, जो जल्द आने वाली है। और माटी जो है ये एक कोठा फिल्म है जो कि झारखंड की लैंग्वेज है, और अब आप लोगों को जानते हुए बहुत खुशी होगी कि अब ये जो लैंग्वेज है ये अभी बहुत इमीडिएटली आप समझिए कि वायरस की तरह बढ़ रही है। तो वायरस तो एक ख़राब शब्द होता है, लेकिन अच्छे शब्दों में अगर हम कहें तो ये दिन ब दिन जो है बहुत सारी फिल्में जो है झारखंड में बन रही हैं, और ये इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि जिस तरह से हम लोग चेन्नई जाते हैं तो वहाँ पे लोग तमिल बोलना पसंद करते हैं, हैदराबाद जाते हैं तो तेलुगु बोलना पसंद करते हैं, बिहार जाते हैं तो भोजपुरी होती है, तो झारखंड में ये लैंग्वेज जो नागपुरी है यही लोग बोलना और सुनना ज़्यादातर पसंद करते हैं। और बहुत वास्ट ऑडियंस है, और सरकार जो है वहाँ की वो भी यही चाहती है कि झारखंड के लैंग्वेज में फिल्म बने। और झारखंड से हमारे सुपरस्टार रमन जी हैं, और इनका गाना एक मैं हैरान हो गया, एक बहुत फेमस हुआ था आना गोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे तेरे लिए दिल है दीवाना कोरिया तू चली आना। तो ये गाना जो है ये पूरे जब मैं बॉलीवुड फिल्में ही करता था, मैंने भोजपुरी नहीं की थी, मैंने तब भी सुना हुआ था। तो जब रमन भाई से हमारी मुलाकात हुई तो पता चला कि भाई उस गाने के स्टार ये हैं। तो बस यही कहूँगा कि कोथा फिल्म है और ये खूब पूरे विश्व में नाम कमाए, और कोई भी जो एक पेड़ भी जो होता है वो पौधा होता है, तो ये पौधा एक तरह से अब आधा पेड़ बन चुका है, और मुझे लगता है कि पूरा जंगल ये बनाएगा और एक बहुत ज़्यादा नाम होगा कोथा फिल्मों का। और साथ ही हम लोगों की आने वाली फिल्म है दीवानगी जो कि रिलीज़ होगी मेरे और रमन जी की। तो बस हम यही कहेंगे कि मेरी विनय आनंद की बहुत बहुत शुभकामना है माटी फिल्म को, और एज अ गेस्ट मैं आज आया हूँ रमन जी को, गुड्डू जी को और मनीष जी को बधाई देने के लिए। मनीष जी आइए, कहाँ आप छिपे रहते हैं। हमारे मनीष जी हैं प्रोड्यूसर हैं फिल्म के माटी के, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी फिल्म बनाई है, और ट्रेलर तो अभी आप लोग देखिएगा, तो आइए देखा जाए माटी फिल्म का ट्रेलर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।